वेलकम टू सेशन में जॉब्स एंड क्वेश्चंस। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो वॉइस आपको थोड़ी ऐसे आएगी, देख लेना, कोशिश कर लेना। आपको वॉल्यूम फुल रखनी है फ़ोन की, और दूसरी बात आपको क्वेश्चन खुद रीड कर लेना है। वैसे तो मैं भी रीड करूँगा, बट जहाँ आपको लग रहा है कि थोड़ा हमको सुनाई नहीं दिया, तो आप खुद यहाँ पर रीड कर सकते हो, ठीक है। और ये पेपर आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का है। देखो, पंजाब यूनिवर्सिटी का होता है क्या है, पेपर आपसे बेसिक नहीं पूछा जाएगा, आपसे एडवांस क्वेश्चन आएंगे, मिटेशंस किससे जाएंगे, एडवांस क्वेश्चन आएंगे। तो बेसिक तो छोड़ो, आप बेसिक तो भूल जाओ, आएगा ऐसे का नहीं, बेसिक आएगा ही नहीं, आएगा बेसिक भी आएगा, बट एडवांस ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और जो एसपी वाले हैं यानी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, वो भी इस वीडियो को देख लो, क्योंकि क्या पता मंडी वाले पेपर टफ डाल दे इस बार, कुछ पता नहीं क्या हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लैट वर्म। देखो, ये बेसिक क्वेश्चन है, बट थोड़ा हैवी एडवांस। देखो, ऑप्शन से उलझाया उलझाया होगा आपको। तो यहाँ पर बोला कि बेसिक करेक्टर नहीं है फ्लैट वर्म्स का, तो पहले तो ये पता नहीं कि फ्लैट वर्म्स होते हैं क्या हैं। यही क्वेश्चन आया था एचपी में इस बार कि फ्लैट वर्म्स क्या होते हैं, यानी किन और फाइलम को हम फ्लैट वर्म्स बोलते हैं, प्लेटी हेलमेंथीज। ओके, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ इनकम्प्लीट, सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ अब्सेंट, मस्कुलर सिस्टम इज मेजर डर्मल ओरिजन, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीडोसिलोमेटर। नहीं पूछा है, हमेशा नहीं पूछा होगा तो नोट को पहले सर्कल कर लेना। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको ऑप्शन नंबर डी, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीडोसिलोमेटर। देखो, सिलोम जो होती है, वो आप सभी को पता होगा, तीन टाइप की होती है, एक होती है असिलोमेट्स, एक होती है सीडोसिलोमेट्स, एक होती है आपके सिलोमेट्स। तो जो ऑर्गेनिज्म जिनमें सिलोम नहीं होते उनको बोलते हैं असिलोमेट्स, जस्ट लाइक आपके वो हो गए फर्स्ट फाइलम यानी पोरोफिरिन हो गए, सिलेंट्रेट्स होंगे, ये आपके असिलोमेट्स होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ सीडोसिलोमेट्स की, तो सीडोसिलोमेट्स आपके बोल जाता है एस्कैरिज को, निमेटोड्स को, और प्लेटी हेलमेंथीज को सूडोसिलम नहीं बोल सकते हैं। ओके, यानी तो ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, ए स्पीसीज इन द टैक्सोनॉमिकल टर्म कैन बी मोस्ट क्लोजली डिफाइंड एज। देखो, एक स्पीसीज है वो टैक्सोनॉमी आपसे को पता है ग्रेट इंपॉर्टेंस है, तो यार स्पीसीज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ए ग्रुप ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेटेड पॉपुलेशन दैट मे नॉट इंटरब्रीड, कैटेगरी टू विच द मोस्ट टैक्सोनॉमिक इन्फॉर्मेशन इज अटैच्ड, फंडामेंटल। एक सेकंड यार, फंडामेंटल यूनिट इन द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ए पॉपुलेशन हैविंग सेम इवोल्यूशनरी बेसिस एंड फ्री जीन फ्लो। तो काफ़ी इजी है, बेसिक भी है, मॉडरेट भी है, टफ भी है। जिन बच्चों को पता होगा स्पीसीज क्या है, वही इसको सॉल्व कर पाओगे। तो सामने इसका आंसर दिख रहा है यार, ये इवोल्यूशनरी तो है ही है, बट साथ में जीन फ्लो भी होगा, इंटरब्रीड भी करेंगे वो। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, स्पीसीज इनहैबिटिंग इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन आर नोन एज। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मैं लगातार इन क्वेश्चन को करवाता आ रहा हूँ। क्वेश्चन कभी भी आपसे कैसे भी घुमाया जा सकता है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में एज इट इज ये क्वेश्चन आया है। मैं आपको पहले कह रहा हूँ, क्वेश्चन आएंगे, जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ वो 100% आएंगे। हिमाचल में क्वेश्चन आया था ये वाला कि कोई ऐसी स्पीसीज है जहाँ पर जियोग्राफिकल बैरियर नहीं है, तो उस पॉपुलेशन के स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे, एलोपेट्रिक स्पेसलेशन हो रही है, सिबलिंग है, या सिंपेट्रिक है, या बाय स्पीसीज है। देखो, तो मैक्सिमम स्टूडेंट ने वहाँ पर एलोपेट्रिक कर दिया। देखो, एलोपेट्रिक कैसे होगा, एलोपेट्रिक तो वो होगा जहाँ पर कोई ना कोई बैरियर आएगा, जहाँ पर कोई बैरियर ही नहीं आया है तो वो सिंपेट्रिक होगा, वो था एचपीयू का सीन। बट इधर देखो, इधर का क्वेश्चन पूछा है, इधर बोला है स्पीसीज इनहैबिटिंग इन द डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन, इधर बोला है कि जियोग्राफिकल बैरियर आ रहा है। अगर बैरियर आ रहा है तो आपको बाकी क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ने नहीं है, सेकंड थर्ड फोर्थ तो पढ़ना नहीं है आपको। ओके, सीधा आपको एलोपैथिक पर टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग लैक द लोकोमोटरी ऑर्गनल। देखो, इनमें से किस में लैक लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन जो चलने के लिए हेल्प कर रहे हैं या खाने के लिए हेल्प कर रहे हैं, फ्लिजलेट्स, राइजोपोर्ट्स, सीरियड्स, स्पोरोजोआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्पोरोजोआ। क्वेश्चन नंबर 5, लाइफ साइकिल ऑफ द हाइड्रा इज करेक्टराइज्ड बाय। अब हाइड्रा के बारे में पूछा है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, और हाइड्रा तो एक उसका बेस्ट एग्जांपल है जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, एक सेकंड,
वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले जो भी बच्चा सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी या पंजाब यूनिवर्सिटी का तैयारी कर रहा है तो उनके लिए मैंने ऑलरेडी पीडीएफ आपके अपलोड किए हुए हैं, या आपको परचेज करने पड़ेंगे ये पीडीएफ। देखो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ये परचेज कर भी लिए हैं। जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का है ये अरिहंत बुक का है, मात्र 49 रुपीज़ में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसमें टोटल आपके यहाँ पर 43 चैप्टर्स हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। इन हर एक चैप्टर्स के आपके 80+ एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे और उसके आंसर की होगी। देन आपको ये सारे सॉल्व कर लेने हैं, साथ में आपको 2 प्रैक्टिस सेट और एक्स्ट्रा 7-8 पीडीएफ आपको और मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप अच्छी खासी आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे इसे, और बेसिक भी है एडवांस भी है, अच्छा खासा यहाँ पर लिखा हुआ है इस बुक में। इस बुक का पीडीएफ आपको मिलेगा मात्र 49 रुपीज़ में। दूसरी बुक है पाथफाइंडर बुक है, तो पाथफाइंडर के ये नोट हम बोल सकते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी हाई लेवल के एमसीक्यू क्वेश्चन है, और ये आपको मिलेगा मात्र 99 रुपीज़ में। ये जो बुक है वो लगभग 3000 की बुक है ये पाथफाइंडर की, और इसमें चुन चुन के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। टोटल इसमें 10 यूनिट हैं आपकी, और एक यूनिट में कम से कम 200-200 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है, और अच्छे खासे आपकी तैयारी हो जाएगी। तो ये सारे आपके 10 यूनिट के आपके एमसीक्यू मिल जाएंगे आपको मात्र 99 रुपये में, यानी 99 रुपीज़ में। मेन बात तो भूल गया, ये जो नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा है इस नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना है, ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। तो हाइड्रा के बारे में चला था हमने, तो प्रेजेंस ऑफ बोथ पोल पर मेडूसा फेजेस। देखो क्वेश्चन क्या है, अब लाइफ साइकिल ऑफ हाइड्रा के बारे में पूछा है, ऑप्शन पढ़ लीजिए इसका। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी पोल फेज इज प्री डोमिनेट एंड मेडूसा फेज यूजली एब्सेंट। इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, बट चलो इन्होंने नहीं बताया तो ठीक ही होगा, बट मुझे डाउट है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा डाउट है इसमें, बाकी क्या पता ये भी आंसर हो, चेक कर लेना इसको। इसमें बताया आपका ऑप्शन आईडी 11102, यानी पोल फेज इज प्री डोमिनेट एंड मेडूसा फेज इज यूजली एब्सेंट। क्वेश्चन नंबर 6, प्राइमरी होस्ट ऑफ फेसियोला इज, फेसियोला का प्राइमरी होस्ट क्या है, रैट पिग सीप ह्यूमन। देखो फेसियोला हिपेटिका लीवर फ्लूक, तो काफ़ी इजी है, लीवर फ्लूक के बारे में पूछा गया है, तो मुझे नहीं लगता कि बच्चों को गलत होंगे ये। 2777 क्वेश्चन आईडी है ये, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अगर मैंने लीवर फ्लूक बता दिया तो बच्चे क्या करेंगे, ह्यूमन को टिक कर देंगे। यार ह्यूमन आपका सेकेंडरी होस्ट है, प्राइमरी होस्ट पूछा है, तो सिप इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 7, वैलेंस लाइन इज प्रेजेंट इन बिटवीन। देखो वैलेंस लाइन किन दो रीजंस के बीच में होती है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जिनमें भी वैलेंस रूल पढ़ा होगा उनको ये क्वेश्चन आता होगा। ऑप्शन पढ़ लीजिए इनका, मैं ऑप्शन नहीं बोलूँगा क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम है, आप पढ़ लीजिए ऑप्शन, थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए, ओके दिख रहा है ना, पढ़ लीजिए इनका आंसर, पढ़ लीजिए ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 ओरिएंटल एंड ऑस्ट्रेलियन रीजन के बीच में होती है वैलेंस लाइन, वैलेंस लाइन बोल सकते हैं हम, ओरिएंटल एंड ऑस्ट्रेलियन रीजन के बीच में। देन क्वेश्चन नंबर 8, द अलार्मिंग रेट ऑफ डिप्लीटेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन रिसेंट ईयर्स एंड मोस्टली ड्यू टू। देखो मेन रीजन क्या है बायोडाइवर्सिटी डिप्लीटेशन का, क्या ग्लोबल वार्मिंग है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है, पोल्यूशन है, या ओजोन डिप्लीटेशन है। देखो हैं तो सभी, बट आपसे पूछा है मोस्ट बता दो या रिसेंट बता दो, एक ही बात है क्योंकि आजकल तो वही हो रहा है और सभी को पता है, हिमाचल पंजाब इनमें तो काफ़ी है, काफ़ी बढ़ के रहे ये प्रॉब्लम है, बाकी स्टेट में काफ़ी प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम है इसका जो राइट आंसर है। क्वेश्चन आई डी 2779, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी सेकंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। देखो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन से हम बायोडाइवर्सिटी को लॉस कर सकते हैं, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स या डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज इनहैबिटिंग इन ए एरिया, कोई एरिया है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पीसीज रह रही है, अगर हम वहाँ पर आग लगा रहे हैं, वहाँ पर हम पेड़ों को काट रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो हम उनके हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उनके हैबिटेट को हम तोड़ रहे हैं। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन इज ऑल्सो ए सेम वर्ड, बट मोस्ट प्रोबेबली हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इज द बेस्ट वर्ड, तो इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इन द इकोलॉजिकल सक्सेशन फ्रॉम पायनियर टू द क्लाइमेक्स कम्युनिटी द बायोमास विल बी। पायनियर क्या होती है, ऐसी कम्युनिटी जहाँ पर अभी सक्सेशन स्टार्ट ही हुआ है, और क्लाइमेक्स
इज द लास्ट फाइनल स्टेज। तो पूछा है कि इन द इकोलॉजी का सक्सेशन फ्रॉम पायनियर टू द क्लाइमेक्स कम्युनिटी द बायोमास विल बी, देखो बायोमास किसका ज़्यादा होगा, इससे आप सॉल्व कर सकते हो। देखो डिक्रीज कंटिन्यूसली, क्या बायोमास घट रहा है, इंक्रीज एंड देन डिक्रीज, डिक्रीज देन इंक्रीज, या इंक्रीज कॉन्टिन्यूसली। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा हुआ है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। देखो पायनियर कम्युनिटी में छोटे छोटे आपके प्लांट्स होंगे, जैसे फाइटो प्लांक्टन्स होंगे, यदि पानी में हो रहा है, यदि चट्टान पर होगा, वो कोई रॉक पर हो रहा है, तो छोटे मोसेज होंगे, ग्रासेज होंगे, श्रब होंगे, ट्रीज होंगे, देन पायनियर कम्युनिटी बनेंगे। तो क्या बायोमास घट रहा है, नहीं भाई बायोमास बढ़ रहा है, बढ़ कैसे रहा है, कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली। डिक्रीज क्यों हो जाएगी, डिक्रीज थोड़ी होगा ना, डिक्रीज देन कंटिन्यू, देखो डिक्रीज एंड देन इंक्रीज, ये तब होता है कि कुछ ना कुछ बीच में आ गया हो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम तो आई नहीं है, लगातार कंटिन्यू चला हुआ है, मोसिस है, मोसिस सब ऐसे प्रोसेस आगे बढ़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 10, द रीजन इन द इंडिया दैट इज नॉट येट मार्क्ड एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, एक ऐसा रीजन जो अभी तक बायोडाइवर्सिटी के अंडर नहीं आता है, द हिमालय, इंडो वर्मा, द वेस्टर्न घाट, गंगेटिक प्लेन। देखो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो ये तो जिनको पता चार हॉटस्पॉट कौन है उनको पता होगा क्या इसका आंसर है। बताओ, काफ़ी इजी है ये तो यार, बोलन जा रहा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, गंगेटिक प्लेन। देखो आपका हिमालय हो गया, चाहे इंडो वर्मा हो गया, वेस्टर्न घाट हो गए, चाहे आपका सुंडा लैंड हो गया, ये सारे हॉटस्पॉट हैं। और गंगेटिक यानी गंगा वाला प्लेन क्या हॉटस्पॉट है, नहीं थोड़ी हॉटस्पॉट है। ओके, आप क्वेश्चन पड़ेगा करना पड़ेगा जूम आउट। क्वेश्चन नंबर 11, ए ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया दैट एक्सट्रैक्ट द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट एंड कन्वर्ट दैम इनटू द ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड एज। काफी इजी क्वेश्चन है, कीमो हिटोट्रॉप्स, कीमो ऑटोट्रॉप्स, हिटोट्रॉप्स या ऑक्सोट्रॉप्स। इसको राइट आंसर है कीमो ऑटोट्रॉप्स, मोस्टली बैक्टीरिया वगैरह। क्वेश्चन नंबर 12, विच टाइप ऑफ फूड चेन इट इज, फूड चेन पूछी है, डेड एनिमल्स, डेड एनिमल्स है तो प्रेडेटर फूड चेन और ग्रेजिंग फूड चेन को तो एलिमिनेट कर दो सीधा, क्योंकि पहले पर क्या है डेड एनिमल्स है, तो ये तो ये डिट्रैक्टस होगा या तो डिकम्पोजर होगा। आगे बढ़ते हैं, बट ब्लो मैगोट, देखो ब्लो फ्लाई के मैगोट ना जो गड़ा सड़ा मांस होता है, मीट होता है, उस पर लार्वे देती है ब्लो फ्लाई, और ये इंडिकेटर भी है डेथ का, कहीं डेथ हुई हो तो सबसे पहले वहाँ पर ब्लू फ्लाई के मैगोट आते हैं वहाँ पर, देन फ्रॉग है, देन स्नेक है। अब बताओ ए का पर टिक करूँ या बी का टिक करूँ मैं। क्वेश्चन आई डी 2783 है ना, तो ये आपकी डिट्राइटस फूड चेन है, या डिट्राइटर फूड जो मुझे लिख लो, ये डिट्राइटस फूड चेन है, डिकम्पोजर नहीं है। क्या इधर डिकम्पोज हो रहा है, कुछ डिकम्पोज होता है जैसे लिटर फॉल गिरा आपका पेड़ से, कोई पत्ता गिरा नीचे, वहाँ पर आप अर्थवर्म बैठे हुए हैं, वो खा रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं, देन वो आपका द्वारा असिमिलेट हो रहा है, प्लांट को जा रहा है, दैट्स नॉन एज डिकम्पोजर, डिकम्पोजर फूड चेन, दिस इज का डिट्रैक्टस फूड चेन। क्वेश्चन नंबर 13, एलियोपैथी रैपिड्स थ्रू, एलियोपैथी क्या होता है, एलियोपैथी काफ़ी इजी टर्म है, एलियोपैथी प्लांट्स के में ज़्यादा मोस्टली देखी जाती है, इनहिबिशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ द वन स्पीसी बाय द अनदर स्पीसी बाय प्रोडक्शन ऑफ द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। क्या मुझे आगे जाना चाहिए या इसको टिक करना चाहिए, अब बताओ क्या मुझे अगले वाले ऑप्शन पढ़ना चाहिए। 2784 क्वेश्चन आईडी, मुझे आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एलियोपैथी एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो प्लांट्स के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, जिसमें टर्पेनॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स या आपके और क्या होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स हो गए, टर्पेनॉइड्स हो गए आपके, या आपके वो हो गए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में, अरे एक और आपका है फिनोलिक्स कंपाउंड हो गए आपके,
जो भी ये सब्सटेंसेस है जो प्लांट्स क्रिएट कर रहा है वो नेक्स्ट प्लांट को, जो उनके साथ साथ प्लांट लगे हुए हैं उनको इनविट कर रहा है ग्रो करने से। दैट्स अ बहुत चलाक है वो प्लांट, इसको हम बोलते हैं लिटरल इनविशन एलियोपैथी। क्वेश्चन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 मैच के लिए पूछा है, टेनियस ओलियम है, ओबेलिया है, यूनियो है और वेलनग्लोसस है। काफ़ी इजी क्वेश्चन लग रहे हैं, बट ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको पंजाब यूनिवर्सिटी में भी। आप ये मत सोच लो कि आपसे हाई लेवल पूछा जाएगा, पता नहीं क्या पूछ लिया जाएगा। ना नो दिस दैट्स यही आएंगे। ये DU है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का पेपर है भाई। DU का PU से भी खतरनाक पेपर आता है, तो आप देख लो यदि आप इन क्वेश्चन को कर पा रहे हो तो एक आप सही लाइन पर हो। ठीक है, टीनिया, टीनियों को किसके साथ मैं देखो, ये सारे लार्वे पूछे हैं, हाँ लार्वे हैं ये। तो आपको सबसे बेस्ट कौन आता है, टीनिया का, ओवेलिया का, यूनियो का, वेलनग्लोसस का? मुझे लगता है आपको टीनिया का आता होगा और आपको वेलनग्लोसस का भी आता होगा, बाकी ओवेला यूनियो मुझे नहीं लग रहा आपको आता होगा। मे बी बच्चों को आता होगा, बट मुझे ज़्यादा बच्चों का नहीं लग रहा मुझे। देखो टीनिया सोलियम का लार्वा आपने पढ़ा होगा, जो डिजीज़ भी कॉजेज करता है टेबोर में, तो इसका लार्वा तो आपको ए को सीधा मिला दो, ए को आप सीधा मिला दो 2785, एक को सीधा फर्स्ट के साथ मिला दो, टेनियस सोलियम को मिला दो हेक्सगंथ के साथ, हम एक हो गया बर्न। अब ए का बर्न है यानी ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन थर्ड होगा। अब पढ़ो आप डी वेलनग्लोसस को, तो वेलनग्लोसस का लार्वा कौन सा होता है, तो वेलनग्लोसस के लार्वा को हम बोलते हैं टॉर्नेरिया, याद रखना मेरे साथ टॉर्नेरिया। तो अब बचा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, यानी बी का होगा थर्ड, ओवेलिया का होगा आपका प्लेनुला एंड यूनियो का होगा आपका ग्लोटिडियम। ग्लोटिडियम मोलस्क का लार्वा ना, यूनियो एक मोलस्क है, इससे भी आप कर सकते थे सोल्व वैसे तो। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। हॉल्टर्स क्या होते हैं, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं हॉल्टर्स क्या होते हैं। हॉल्टर्स एक पंख ही होते हैं एक किस्म की, बट ये आपके मोडिफाइड विंग्स होते हैं और ये बैलेंसिंग का काम करते हैं। ड्रोसोफिला मेलनोगास्ट्रा में ये मेटाथोरेक्स से हो गए होते हैं मॉडिफाई। देखो आपके जो विंग्स होते हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो भी इंसेक्ट है उसके 3 सेगमेंट होते हैं, प्रोथोरेक्स, मिजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। जो प्रोथोरेक्स होता है वहाँ पर पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट होती हैं बट पेयर ऑफ विंग्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। म्यूजोथोरक्स में पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट होती है, साथ में पेयर ऑफ विंग्स प्रेजेंट होते हैं। जो आपके थर्ड सेगमेंट होता है यानी मेटाथोरक्स, तो मेटाथोरक्स में आपके पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट होती है और पेयर ऑफ लेग्स के साथ आपका पेयर ऑफ हॉल्टर्स प्रेजेंट होते हैं, इन केस ऑफ ड्रोसोफिला मेलनोगास्ट्रा। बाकी कॉकरोच वगैरह में भी होते हैं हॉल्टर्स, वहाँ पर आई थिंक म्यूजोथोरक्स में होते हैं, अगले बाल होते हैं। तो बताओ आप हॉल्टर्स क्या हैं, वेस्टिब्यूलर ऑर्गन ऑफ बटरफ्लाई, मोडिफाइड फोर विंग ऑफ बीटल्स, बैलेंसिंग ऑर्गन ऑफ द हाउस फ्लाई, या ऑर्गन यूज बाय मेक द इंसेक्ट टू अट्रैक्ट द फीमेल। देखो फोर्थ तो डेफिनेटली नहीं होगा, कोई रोल नहीं मेटिंग मेटिंग वगैरह में इसका, वेस्टिब्यूलर भी नहीं है। अब सेकंड या थर्ड, मोडिफाइड फोर विंग ऑफ बीटल्स या बैलेंसिंग ऑर्गन ऑफ हाउस फ्लाई। उलझाया है, काफ़ी उलझाया उन्होंने, और आंसर आप सभी को पता भी है 15th का 2786। तो देखो ये मोडिफाइड फोर विंग्स ऑफ बीटल्स, नहीं 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 नहीं, ये हाइंड विंग्स होते हैं। ठीक है, हाइंड विंग्स मैंने बताया आपको मेटाथोरक्स में होते हैं ये, और आपके जो बैलेंसिंग ऑर्गन होते हैं हाउस फ्लाई के अंदर। ओके, मैंने बताया आपको बैलेंसिंग का काम करते हैं ना ये। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी साइजस लिमिट्स। ऊपर मैंने बताया क्वेश्चन इंटरलिंकड आते हैं, सिलोम से क्वेश्चन आ गया है। देखो ये सिलोम के आगे जाके दो टाइप होते हैं, एक होते हैं जिनके जिनमें सिलोम प्रेजेंट होती है एंटेरोसिलस एंड साइजोसिलस। तो जो साइजोसिलस होते हैं वो छोटे छोटे रह जाते हैं, जैसे एनेलिड्स हो गए, आर्थ्रोपोड्स होंगे, देन उसके बाद मोलस्क होंगे, आम से याद रखना आम। तो ये क्या होते हैं, आम से मतलब ए से एनलिड्स, ए से आर्थ्रोपोड्स, एम से मोलस्क, इनमें होती हैं साइजोसिलोम। और एकाइनोड्रम्स में और बाकी जितने भी आगे आगे कॉर्डेट और कॉर्डेट वगैरह वो वर्टेब्रेट वर्टीब्रेट उन सभी में क्या होते हैं एंटीरोसिलस होती है। तब बताओ कौन से मैच करोगे, आम कहाँ है पता है, पहले पहले आम भी ढूंढो। आम आपका थर्ड है, एनलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, यानी 1147। एक बार चेक कर लेता हूँ, इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक जरूरी होता है। ओके, आंसर आई डी है, क्वेश्चन आई डी है 2787। ओके दैट्स द राइट आंसर, आम।
आम एक ट्रिक है, ये मैंने बनाई थी अपने टाइम में, अपने अपने ट्रिक है, बनाओ जो मर्जी बन रहा है। अभी अभी ये पेपर नज़दीक है तो रख लो यार, आम याद रख लो। आम होती है साइज सिलोम में, आम यानी अनलिड्स अर्थपोड और मोलस्क। क्वेश्चन नंबर 17, ये बाइवल्व्स, बाइवल्व्स होते हैं मोलस्क। ओके, विच राउंड विच स्ट्रक्चर सिक्रेट पियरल्स। ओके ओके, देखो पियरल्स आपने सभी को पता होगा, ओयस्टर में आपने पढ़ा है, ठीक है, तो वहाँ पर पियरल्स होते हैं। पियरल्स मतलब मोती की बात की जा रही है, तो जो मोती है वो किस लेयर से सिक्रेट होता है। वेरी, पढ़ लो यार, बोला नहीं जाएगा, पढ़ लो ऑप्शन आपके पास, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए। 17th को ऑप्शन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन आईडी 2788, तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नेक्रो नेक्रोसिस लेयर में। क्वेश्चन नंबर 18th, द कॉमन करेक्टर ऑफ एनोफिलीज, हिरोडिनिया, काइमेक्स एंड जिनोफाइजिला। फैजिला, देखो एनोफिलीज आपका मच्छर है, हिरोडिनिया आपकी लीच है, काइमेक्स आपका क्या बोलते हैं काइमेक्स को, वो होता है यार, वो क्या बोलते हैं उसको, केंकड़ा जैसे, वो केंकड़ा नहीं यार, किंग क्रैब वगैरह, देख लेना क्या है काइमेक्स, आपको क्या आज किंग क्रैब को बोलते हैं आई थिंक, जिनोफेजलिया। ऑल हैव नेफ्रिडिया, स्लेवरी कंटेन्स एंटी कोगुलेंट, ऑल आर इंसेक्ट, लेज एग ऑन द स्टेगनेंट वाटर्स। देखो सभी इंसेक्ट नहीं है, कौन सा आईडी है, 2789 है ना, एक सेकेंड, 2789, हाँ ये ना, ये सारे के सारे इंसेक्ट नहीं है ना, ये इंसेक्ट नहीं है। सिलाइवे कंटेंट, इन सभी में एंटी कोगुलेंट पाया जाता है। एंटी कोगुलेंट होता है जब ये बाइट करेंगे ना तो हमारे ब्लड में कोगुलेशन नहीं होने देते हैं, और लगातार खून को सक करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ये फॉलोइंग स्टेटमेंट दी हुई है, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, खुद पढ़ना है क्योंकि इतना मैं पढ़ नहीं पाऊँगा। ओके, तो आप आई थिंक आपको दिख रहा है सब कुछ, पढ़िए और आंसर बताइए इसका। 19th का ऑप्शन आई डी है, क्वेश्चन आई डी है 2790। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4th, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। देन अब हम दो ही क्वेश्चन करेंगे अब, क्योंकि आज के लिए मुझे लग रहा है इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊँगा। 20 और 21 को करते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ द माइग्रेटरी लोकस स्वैम्स अकर्स ड्यू टू, ऑप्शन पढ़ लीजिए इनका, 2791 का राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3rd। क्वेश्चन 21, ओस्फ्रेडियम इज एसोसिएटेड विद, ओस्फ्रेडियम कहाँ एसोसिएट होता है, तो ये एसोसिएट होता है आपका ओलफैक्टरी सिस्टम से, हियरिंग के सिस्टम में। दैट्स ओके, बाकी हम कल करेंगे, आपको लगातार वीडियो आते रहेंगे, टेंशन नहीं लीजिए, बाकी तैयारी करें तो करते रहिए, और एमसीक्यू क्वेश्चन ले लीजिए मेरे से, वहाँ से परचेज कर लीजिए आराम से, बेसिक एडवांस दोनों 100 रुपये में आपको दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।